अरे हार पलटू मित्र नहीं है, दुष्ट है जो द्रोही राम का। अभी देख रहे हैं स्टेन है, ये लोहा ने बढ़िया आदमी का संगति किया तब स्टेन बना, गलत आदमी का संगति करते तो थीरी नट बनते थीरी नट। जात रहे बही जहिया से ज्ञान हुआ तहे से सही। गाड़ी पहुंचले पटना, आप गए टी 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 ने कहे लाइए टिकट कहाँ जाना है, वो कह पूछी दे बेचारा सोचेगा दूसरों कोई नहीं मिले बोहनी पर हम ही मिलिए। टीटी ने का टिकट लाइए, कल के सर टिकट नहीं कटे ले छे घरों झगड़ा करी निकल लो छे जा रहे छे अयोध्या जी जहां राम के जन्म होल छे वहीं रहबे। टीटी ने का टिकट दिखाइए, कल के बाबू टिकट नहीं कटे ले छे। टीटी ने बाड़ा बाबू को फोन कर दिया, बाड़ा बाबू कमांडर पकड़ लगे हन हनी ले चली दल के। बाड़ा बाबू ने टीटी से कहा क्या बात है, टीटी ने कहा हुजूर इसके पास में टिकट नहीं है। बाड़ा बाबू ने पुलिस से कहा पकड़ो इसको, पगड़ी लल के हाथ में रस्सा बांध के ट्रेन से नीचा करी घिंच ले जरे बेचारा के बाबू केकरो भुट्टा तोड़ने रही हाथ में रस्सा बांधी कौन ले जो हमें ये जो दिहा जी जाए रही जहाँ राम के जन्म हो जी वहीं रेवे ठकुरवाड़ी। टीटी ने कहा यदि टिकट लेकर ट्रेन में बैठते तो वहां पहुंचवा देते अयोध्या जी जहां राम का जन्म हुआ है, बेटिकट जो ट्रेन में बैठे हो अब वहां चलो जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है जेल में कारागार, बेटा के मारहुन कुल माँ बापा के चमेटा दे वो बेटा के हड़बे करबो हड़ी जी भी कर जगड़ा बाप ने सुधर ले बेटा की सुधर ले नहीं भूते ना सब हम सुधर तब दुनिया सुधर हो जाएगा, उसका कहीं आंसर ही नहीं है। विचार कीजिए, इसलिए जीवन में चाहिए तुलसी पत्ता का सेवन करें, हर माँ बहन को हर लोगों को आंगना में या द्वार पर तुलसी का गाछ जरूर लगाना चाहिए। और तुलसी का गाछ ही हनुमान जी ने देखा था विभीषण के आंगना में, तो हनुमान जी को लगा ये कोई सज्जन आदमी का घर है। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करे कपिलागा तेहि कोई तो जबरदस्ती। पूजन कीजिए समय पर, भजन कीजिए समय पर, काम कीजिए समय पर, आराम कीजिए और चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। बहुत लोग चिंता में रहते हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए। दो बार कम्बो जी खाए जी हमारा की लेना देना चाहिए, काज कम जे भजन करै छी, केकरे कर्जा निधारै छी, आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है, ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। आमदनी के अनुसार खर्च कीजिए, ताकत के अनुसार गुस्सा कीजिए। रोटी खाइए याद ही सब्जी, दुन्ना पानी तीन गुन्ना, हंसिए चार गुन्ना, प्यार से बोलना चाहिए, कटु वचन मत बोलिए। पत्नी यदि आपका है तो हंसता चेहरा रखिए, देवी जी भोजन में की देर छे, देवी जी देवी ने कहिए न देखिए म्याज गदगदाइए देखते इन एक पास को हम लिखले रही हम देवी बोलबो कहिया। पति पत्नी में हंसता चेहरा रखिए, पति गुस्सा में आ जाए पत्नी को पानी होना चाहिए, पत्नी गुस्सा में आ जाए पति को पानी होना चाहिए, तब आपका घर ठीक ठाक चलेगा। विचार भगवान राम सीता जी को कभी गाली नहीं दिए, आप गाली दे देते हैं तो समझ जाइए कि आप भगवान राम का बात नहीं रखते हैं। बढ़िया बात पत्नी कहे
पति को मानना चाहिए। बढ़िया बात पति कहे पत्नी को मानना चाहिए। मंदोदरी के बाद रावण रख लेते लंका का सर्वनाश नहीं होता। बेटा के विचार बहुत जगह आते हैं भक्त लोग, 10 रुपया दे के चले जाते हैं। हम दान एहनो सब आदमी बहुत कमे मिले फारू खैनी खाव लगे। आप रुपया मत दीजिए लेकिन आपके अंदर में जो बुराई है वही दे दीजिए, आप मनुष्य बन जाइए। वही पंडित एक तरफ प्राण देते हैं और जिसमें प्राण है उसका प्राण लेते हैं। हम लोग कब जगेंगे जरा विचार कीजिए। पठवा चौर तुलसी के पत्ता बेली पत्ता उड़ा कपार धरे देखिए झाड़े झिगनी झाड़े एना कर लगे फूला ले जा विचार। इसलिए सज्जनों रामचरितमानस में लिखा हुआ है धर्म की परिभाषा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है, सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म है, धर्मुन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। इसलिए बलि नहीं दें, किसी जीव का हत्या नहीं करें, नहीं तो बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिसका रुपया लेते हैं उसको आप रुपया देते हैं, जिसका आप मांस खाते हैं मांस का बदला आपको मांस ही देना पड़ेगा। मनुष्य के लिए भोजन क्या है नाम सुनिए, पार शाही आलू परवल की तरकारी, चलिए हेलो 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 पिताजी चलते हैं पृथ्वी थर्रा उठती है। मेरे पिता के डर से ब्रह्मा आकाश में शंभु कैलाश में इंद्र को भी पराजित करके इंद्रजीत की पदवी प्राप्त किए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बा भैया बाह, अच्छा बताओ वही रावण के पुत्र हो जो जनक जी के सभा में गया था धनुष को तोड़ने, धनुष को छुआ तक नहीं रास्ते में चुरा कर भाग गया। वही रावण के पुत्र हो जिस रावण को बाली ने 6 महीना तक कंख में दबा के रखा था। वही रावण के पुत्र हो जिस रावण ने दुनिया में जितने साधु हैं साधु के ऊपर कलंक चढ़ा दिया। अब साधु पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, साधु का वेश बनाकर मां सीता जी को चुरा कर ले गई और रे चोर के पुत्र कायर। ऐसे पिता की बड़ाई करने में शर्म नहीं आती तुझे? मेघनाद ने कहा लक्ष्मण अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो 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 हेलो